हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा मोहनकर और मेरे यूट्यूब चैनल वर्षा मोहनकर स्नेक लवर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम भद्रापारा के प्राइमरी स्कूल में आए हुए हैं। बताया जा रहा है कि जब बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठे तो उस समय एक सांप को देख के बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं और सारे के सारे बच्चे क्लास के बाहर निकल गए हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा सांप है और बच्चों के डर को दूर करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। कुछ खा के बैठा है। फ्रेंड्स, ये जो सांप है ये चेकर्ड केलबैक स्नेक है, जिसे ढोड़िया सांप भी कहते हैं, और ये कुछ खाकर यहाँ बैठा हुआ है। अपने आप को छुपा लिया है इसने। अभी लॉकडाउन के बाद में जो स्कूल स्टार्ट हुए हैं तो साफ़ सफाई के दौरान ऐसे ऐसे सांप निकल के आ जाते हैं, और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है जिसके कारण ये सांप अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं और कुछ खाकर ऐसे ही जगहों पर छुप के बैठ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसे रेस्क्यू करते हैं और बच्चों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सांप रेस्क्यू हो गया है और ये चेकर्ड किलबैक स्नेक है, नॉन वेनमस स्नेक है। मैं अपने वीडियो में बार बार बताती रहती हूँ कि ढोड़िया सांप जो होता है वो नॉन वेनमस होता है और इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता है। फ्रेंड्स, अभी रात के 8 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी हमें फिर से एक कॉल आया हुआ है कि एक सांप देखा गया है घर के आंगन में, जो कि पौधों के बीच में छुप गया है। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो सांप दिखाई नहीं दिया है। चलिए देखते हैं कि ये कौन सा सांप है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, तो सांप निकलना स्टार्ट हो गए हैं और जगह जगह सांप निकल रहे हैं, रेस्क्यू कॉल आ रहे हैं। तो आप लोग भी अपने घर में थोड़ा सा ध्यान रखें, दरवाजों को पैक रखें ताकि कोई सांप घर के अंदर ना घुसे। इस घर में भी लोगों को यही डर लग रहा है कि कहीं दरवाजे से अंदर ना आ जाए, इसलिए सब नज़र बना के रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कौन सा सांप है। किधर? मैं भी आऊँ क्या? तो फ्रेंड्स, सांप नज़र आ गया है और ये भी चेकर्ड किलबैक ही है, जो कि बारिश में बहुत ज़्यादा निकलते हैं। इसे पानी वाला सांप भी कहते हैं और ये काटने में बहुत ज़्यादा माहिर होता है, जिसे लोकल भाषा में ढोड़िया सांप भी कहते हैं, पानी वाला सांप भी कहते हैं। और ये बहुत अधिक काटता है और बारिश में अक्सर निकलता है, नालियों से, नालों से, नदी तालाब के आसपास बहुत ज़्यादा दिखता है। और ये ज़्यादातर मेंढक और छोटे चूहे ही खाना पसंद करता है। मछली भी इसका मुख्य आहार है, लेकिन अभी यहाँ घरों के आसपास मछली तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये मेंढक या चूहों की तलाश में ही आ जाते हैं। और बारिश के कारण ये बहुत छुप के बैठा हुआ है, अपने आप को छुपा के बैठा हुआ है और हिल भी नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, अब इसे रेस्क्यू करते हैं। बहुत सावधानी से रेस्क्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये भागेगा तो बहुत, इसकी स्पीड भी बहुत तेज़ होती है, अगर ये भागेगा तो फिर मिलना मुश्किल है, इसलिए बहुत सावधानी से इसे रेस्क्यू करते हैं। पड़ेगा।
फ्रेंड्स फाइनली सांप रेस्क्यू हो गया है और ये चेकर्ड किल बैक है, पानी वाला सांप जिसे लोकल भाषा में ढोड़िया सांप भी कहते हैं। नॉन वेनेमस स्नेक है, यानी बिल्कुल भी जहर नहीं होता है इसमें, लेकिन ये काटता बहुत तेज है और काटने पर बिल्कुल जैसे तेज धार वाली जो ब्लेड होती है उस तरीके का निशान कर देता है। तो चलिए इसे अब पैक कर देते हैं और घर वालों का जो डर था वो भी शांत हो गया है। अब घर वालों को डर नहीं लग रहा है क्योंकि सांप रेस्क्यू हो गया है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को हमेशा दबाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे मेरे वीडियो को उतना ही ज़्यादा चैनल प्रमोट होगा। और प्लीज़ शेयर भी करें और कमेंट भी करें, कमेंट करके बताएं कि आपको और किस तरीके की वीडियो चाहिए। थैंक